बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमने अपने मुखबिर की निशानदेही पे गुल खान पठान को मुजफ्फरगढ़ पुल से गिरफ्तार किया। दरिया चनाब की ये पुल है, वहाँ से गिरफ्तार किया और फौरी तौर पे हम उसे लेके वापस कोट समाबा पहुँच गए। उसे एक अलहदा क्वार्टर जो था थाने के साथ मुलहिका, उस पर लेके उससे इंटरोगेशन शुरू कर दी। मैंने एसएसपी आज़म जुइया साहब को ये सारी बात बता दी थी अपने मोबाइल नंबर से कि जी इस तरह हमने गुल खान को पकड़ लिया, अब उससे इंटरोगेशन करनी है। पहले तो इंटरोगेशन में गुल खान किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि वो जबार को या किसी भी शख्स को जानता है, लेकिन जब थोड़ा सा सख्ती की गई और उसे बताया गया और साथ बैठे जो मुखबिर था उसने भी कहा कि जी इस तरह की बात हुई है और आप उसको जानते हो, तो फिर गुल खान इस बात को मान गया। अब जो उसने कहानी सुनाई वो यही थी कि जी जबार सिंधी ने पिशावर में शादी की थी, एक जगह पिशावर से कुछ 40 किलोमीटर दूर एक जगह है वहाँ, और उसकी ज़मानत जो दी थी वो गुल खान पठान ने दी थी। उसने ये भी बताया था कि जी हजाम है एक वहाँ का पिशावर से जो 40 किलोमीटर आगे है, उसकी बहन है, उससे नानो जिसका नाम था उससे उसकी शादी कराई गई, और उसके बाद का मुझे नहीं पता और ना ही मुझे ये पता है कि जी जबार वगैरह ने चौधरी सादिक को कत्ल किया है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई गुल खान से तो मैंने एसएसपी आज़म जोया साहब को बताया कि जी इस तरह ये कंफर्म हो गया है कि वारदात के बाद जबार सिंधी पिशावर से 40 किलोमीटर आगे चला गया है, लेकिन वो जो जगह का नाम बता रहा था उसे एग्जैक्ट गुल खान को नहीं पता था कि वो जगह कौन सी है, या वो जानबूझ के उसका नाम गलत बता रहा था। जगह का नाम उसे एग्जैक्ट नहीं पता था, लेकिन उसने ये बताया कि उर्मड़ नामी जगह है। अब उर्मड़ का हमें भी जो उसने बताया वो सही तलफ़ुज़ नहीं था कि वो कौन सी जगह है। एसएसपी आज़म जोया साहब ने कहा कि जी आप फौरी तौर पर पिशावर रवाना हों और उस जगह पे जाएं, और उन्होंने फौरी तौर पे ये इतला डीएजी साहब को भी दे दी, मलिक अशरफ मरहूम को, और उन्होंने भी यही कहा कि इसे फौरी तौर पे पिशावर भिजवाएं। अब पिशावर जाने के लिए जो दो मुश्किलात थी वो ये थी कि मुझे पश्तो नहीं आती थी, और पिशावर में जाने के लिए एक पश्तो बोलने वाला पुलिस ऑफिसर ज़रूरी था। अब मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, अपने पुलिस मुलाजमीन, तो नज़ीर न्याजी ने मुझे ये बताया कि जी अमीर खान खटक जो है पठान वो हेड कांस्टेबल है, पुलिस लाइंस में है और वो पश्तो भी बोलता है और उसी एरिया का जानने वाला है, तो आप उसको साथ ले जाएं। मैंने फौरी तौर पे एसएसपी साहब को ये बताया कि पुलिस लाइन में अमीर खान पठान, अमीर खान भी फौत हो चुका है, सब इंस्पेक्टर हो गया था, उसमें इसी केस में उसकी वन स्टेप प्रमोशन भी हुई थी, उसे एएसआई बना दिया गया और कुछ दिन पहले उसका इंतकाल हो गया। अब मैंने अमीर खान पठान फौरी तौर पर थाना कोट समाबा आ गया और
हेड कांस्टेबल बुलवा लिया, मुराद खान नाम था उस हेड कांस्टेबल का, और हेड कांस्टेबल को जब सारी सूरत हाल बताई तो उसने कहा जी यहाँ तो तीन उर्मुड़ हैं, जिसमें एक उर्मुड़ बाला है, उर्मुड़ पयान है और उर्मुड़ म्याना है। अब एक नई हमारे गले में पड़ गई जी कि अब तीन उर्मुड़ से कौन सा उर्मुड़ हम ढूंढें जिसमें हम तलाश करेंगे जी जबार सिंधी को। खैर इसका भी हमने हल निकाला, तो मैंने इजाज़त मांगी उससे, मैंने फ़ोन मिलाया नज़ीर नियाजी को वहाँ से, क्योंकि नज़ीर के पास मोबाइल तो नहीं था, थाने पे मैंने बात की। अब थाने वालों को भी मैं नहीं बता सकता कि माजरा क्या था, उन्हें हमने ये भी नहीं बताया हुआ था कि हम कहाँ गए हुए हैं, पेशावर हैं, किधर हैं, बस वो खुफिया मिशन का लिखा जाता है। जब भी ऐसे काम के लिए पुलिस अफसरान निकलते हैं तो वो लिखते हैं जी खुफिया मिशन पर गया हुआ। हम लोग इजाज़त लेके आ गए अब्दुल अजीज़ इंस्पेक्टर साहब से कि जी हम आपको कल बताएंगे, ताकि हम पीछे से पता कर लें, कंफर्म कर लें ये कौन सा उर्मड़ है। वहाँ से मिलने के बाद हम दोबारा रेस्ट हाउस पे आ गए। नज़ीर इतनी देर में नज़ीर नियाजी की भी मुझे कॉल आ गई थी, मैंने उसे बताया कि आप जाएँ और गुल खान से पूछें, दोबारा इंटरोगेट करें कि ये उर्मड़ कौन सा है। तो नज़ीर नियाजी ने कहा जी कि ठीक है सर, मैं आपको पता करके बताता हूँ। हमारे पास क्योंकि दोबारा कोई काम नहीं था, हम रेस्ट हाउस पे आ गए और वहाँ रह गए। इतनी देर में वहाँ मुझे दो दफ़ा डीएजी साहब की भी कॉल्स आईं, एसएसपी साहब की भी कॉल आई, मैंने उन्हें भी सारी सूरत हाल बताई। अब जो अफसरान पीछे बैठे होते हैं उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि हालात आगे क्या हैं, और जो फील्ड में लोग गए हुए हैं पुलिस अफसरान या पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं वो किस हालात में हैं और उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा होता है। वो तो जी चाह रहे होते हैं जी के फौरी तौर पे बस जिस काम के लिए गए हैं पकड़ें और उसे वापस ले आएं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम होता कि वहाँ कितने मसाइल हैं और किन किन हालात से हमें गुजरना पड़ता है। तकरीबन दो तीन घंटे के बाद नज़ीर की मुझे कॉल आई और उसने बताया कि जी उसने कहा है कि मुझे कन्फर्म नहीं है ये कौन सा उर्मुड़ है, बट मेरे जहन में आता है कि ये म्याना हो सकता है। अब अगली सुबह का फिर इंतज़ार था, मैं और अमीर खान तैयार होके फिर दोबारा हम CIA हेडक्वार्टर चले गए और वहाँ जाके बताया कि जी हमारा जो सोर्स है उसने बताया कि उर्मुड़ म्याना हो सकता है। अब मैं, मुराद खान और अमीर खान उसी गाड़ी में, साजिद बलोच की गाड़ी में हम लोग उर्मुड़ के लिए रवाना हो गए। ये पेशावर से कुछ 40-45 किलोमीटर दूर बनता है उर्मुड़। सड़क इतनी अच्छी नहीं थी, सिंगल रोड थी, ड्राइव करते हुए पहाड़ी इलाका था। हम लोग आखिर उर्मुड़ पहुंच गए तो वहाँ मुराद खान हेड कांस्टेबल हमें बाबा अली शाह के पास ले गया। अब बाबा अली शाह जो था ये 70 साल का अधेड़ उम्र तो नहीं कह सकते, बूढ़ा था, लेकिन जिस तरह उसकी डील डॉल थी और स्ट्रक्चर था वो जवान लोगों से भी ज़्यादा तगड़ा था। बारिश था ये, जब उसे सारी बात सुनाई तो हंसने लगा कि कहने लगा जी अब यहाँ हजाम 4 हजाम हैं, तो आप मैं किस हजाम को, कि नाम मुझे बताएं हजाम का नाम क्या है। अब हमें हजाम का नाम नहीं आता था तो हमने ये कहा कि जी उसकी बहन का नाम जो है नानू है। अब वो हंसने लगा, कहने लगा जी कि नानों को मैं कहाँ से ढूंढूंगा, मुझे तो मर्द का नाम बताएं। खैर उसने वादा कर लिया हमसे कि जी तसल्ली रखें, हमें एक दो दिन का टाइम दें और मैं आपको ढूंढ के दूंगा। और हमने उसे ये भी कहा कि उस घर में जो मेहमान होगा या वो उस घर में जो बंदा रह रहा है पंजाबी है और उसका आपको जहर पता चल जाएगा, उसको किसी तरह पता ना चले, ये बात किसी आपने और को भी नहीं बतानी। तो हमसे उसने वादा किया कि ये बात वो किसी और से शेयर नहीं करेगा, और इस वादे पे हम लोग फिर वापस पेशावर आ गए। अगला दिन क्योंकि हम लोग फारिग थे तकरीबन 10 बजे अब्दुल अजीज़ इंस्पेक्टर हमारे यहाँ रेस्ट हाउस में आ गया और उसने कहा जी आज दिन क्योंकि आप फारिग हैं मैं आपको चलता हूँ पेशावर दिखाता हूँ, बाड़ा दिखाता हूँ और आपको अच्छा सा खाना खिलाते हैं। अब्दुल अजीज़ हमें लेके बाड़ा मार्केट की तरफ चला गया। वहाँ भी मैंने देखी कि जी मनशियात की शॉप्स हैं जिसमें चर सफ़ी